हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते होंगे तो उनको इजिली अवेलेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से बच्चों को अलॉट होने वाले हैं, तो कितने मार्क्स तक यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो सभी छात्रों को देखिए अगर कहा जाए तो यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, बस उनको अपनी प्रेफरेंस को सही रखना होता है। तो कॉलेज कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट मिलेगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है, आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। सीट मैट्रिक्स है, आई होप सभी लोगों ने इसको देखा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे अमरोहा है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, ठीक है, बागपत है। तो ऐसे ऐसे कॉलेज आपको चूज़ करने हैं जो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं चलिए थोड़ा सा यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में। तो आपकी कितनी काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली है, सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, देन सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद सीटें रहीं तो आपकी मॉपअप राउंड होगा, ठीक है। तो ये मॉपअप राउंड होता है फ्रेंड्स आपका ऑफलाइन होता है, जो आपको कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाया जाता है, किसी कॉलेज में या फिर कोई भी आपको एक प्लेस बता दी जाएगी, वहाँ पर आपका ये मॉपअप राउंड रखा जाता है। और यदि इसमें भी सीटें वैकेंट रह गई, ठीक है, इसमें भी अगर सीटें वैकेंट रह गई तो एक स्ट्रे राउंड चलाया जाता है जिसमें सभी सीटों का फिलअप किया जाएगा। तो लगभग देखिए सभी छात्रों को यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो आपको मौका मिलेगा कि आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है। और ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर स्ट्रे राउंड नहीं होगा, अगर सीटें गवर्नमेंट में भी रहीं तो स्ट्रे राउंड गवर्नमेंट के लिए भी होता है, ठीक है, दोनों प्राइवेट और यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ही होगा, ठीक है। मॉपअप में भी ऐसा ही है, और अगर सीटें रहती हैं तो मॉपअप गवर्नमेंट के लिए चांसेस आपके क्रिएट हो जाते हैं, तो आप ले सकते हो। अब देखिए ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि काउंसलिंग किसकी होंगी, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है। अब देखिए आपके जो चांसेस क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स वो कितने मार्क्स वालों के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में चांसेस आपके क्रिएट होंगे। अगर मान लीजिए आप 90 से लेकर के 110 के बीच में हैं, ठीक है, अप्रॉक्स इतने मार्क्स आपके हैं, तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे बेस्ट कॉलेजेस को फिल करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर यहीं पर आप 90 से लेकर के 120 के बीच में हैं तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में इतने मार्क्स पर पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज आपको कौन कौन से चूज़ करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बरेली का हो गया, ठीक है, उसके बाद देखिए बिजनौर का, ठीक है, बुलंदशहर, उसके बाद यहाँ पर चित्रकूट, इस तरीके के कॉलेज आप फिल कर दीजिए, जैसे इटावा का कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर जो ओल्ड कॉलेजेस हैं उनको फिल कीजिएगा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। और यहीं पर अगर मार्क्स आपके 100 से लो हैं, यानी 80 से लेकर के आप यहाँ पर 90 या फिर 100 के बीच में हैं, तो आपको कैसे कॉलेज चूज़ करने हैं जो यहाँ पर न्यू कॉलेजेस हैं। जैसे न्यू कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हो फ्रेंड्स आपका जैसे फिरोज़ाबाद का है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बस्ती का है, बस्ती है और भी कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर एक एक करके सबको बताएंगे तो ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बलिया का आप कर सकते हो, तो इस तरह के कॉलेज आप चूज़ करते हो तो यहाँ पर चांसेस आपके क्रिएट हो जाते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ सीटें आपको ज़्यादा लगती हैं, ठीक है, जैसे 50 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, तो उन कॉलेजेस को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं तो सीटों के अकॉर्डिंग आपके चांसेस भी थोड़े ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। और ये सभी कैटेगरी की मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं बता रही, क्योंकि यहाँ पर कोई कैटेगरी वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ओनली 40 स्टूडेंट्स को उनको फिलअप करना है तो वो फिलअप करेंगे, चाहे वहाँ पर कितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट सही रहा तो उसको यहाँ पर क्या अलॉटमेंट उसका दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर काउंसलिंग से थोड़ा सा और समझेंगे कि काउंसलिंग में आपको किस राउंड में पार्टिसिपेट ज़्यादा करना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास में देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी सीटें नहीं हैं कि जो बची हुई हैं, यहाँ पर फुल फिल सीटें हैं, तो आपके चांसेस भी ज़्यादा हैं। वहीं सेकेंड राउंड का अगर वेट करेंगे तो इसमें मान लीजिए 30 सीटें बच गई या 20 सीटें बच गई, तो उसमें क्या होते हैं, चांसेस भी और लो होते चले जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। वहीं मॉपअप की बात करें तो मॉपअप में और भी सीटें कम हो जाएंगी, जैसे 50 है तो यहाँ पर 10 ही सीटें रह गई, या फिर 40 है यहाँ पर तो 5 सीटें रह गई, इस तरीके से फिल हो जाएंगी, तो उसमें और भी चांसेस लो हो जाएंगे। और रही स्ट्रे राउंड की, वो बहुत रेयर होता है फ्रेंड्स कि आपका स्ट्रे राउंड हो, ठीक है, हालांकि स्ट्रे राउंड कभी भी आज तक नहीं हुआ है मॉपअप राउंड के बाद में, तो मॉपअप ही राउंड होता है। अगर इसमें भी कोई चांस रहा, यानी होता है अगर बाई चांस 100 सीटें रहीं या फिर 200 सीटें रह गई या फिर 400 सीटें रह गई, तो इस तरीके की अगर सीटें रह जाती हैं तब जाकर के स्ट्रे राउंड होता है,
तब जाकर के आपको स्टे राउंड देखने को मिलेगा, उससे पहले तो चांस ही क्रिएट नहीं होता है। और देखिए फ्रेंड्स, प्राइवेट कॉलेज अगर यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो आप मनपसंद कॉलेज को सबसे पहले आप फिल कीजिए, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो फिल कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आगरा का कॉलेज है फ्रेंड्स, आगरा में यहाँ पर दे रखे हैं 5 कॉलेज दे रखे हैं, तो 5 कॉलेज में अगर आप 5 चाहते हैं तो भर सकते हैं, या फिर जो भी आपको ठीक लगे वो कॉलेज आप फिल कर दीजिएगा। और फ़ीस सबकी अलग अलग रहने वाली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो फ़ीस एक बार ज़रूर चेक कर लें सभी कॉलेज की, क्योंकि फ़ीस के अकॉर्डिंग आपको फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने फ़ीस का क्राइटेरिया देखा ही नहीं और सीट आपको अलॉट हो जाती है, तो सीट अलॉट होने के बाद में जो सिक्योरिटी फ़ीस रहती है फ्रेंड्स, वो आपको वापस नहीं मिलती, यानी कि आपको एडमिशन लेना ही होता है, वो कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो सिक्योरिटी फ़ीस भी यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट होती है और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसे फ्लोट करा सकते हो, ठीक है, अपग्रेड करा सकते हो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ध्यान दीजिए, अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा, सिक्योरिटी फ़ीस आपकी नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये आपके पेमेंट लगेगी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अगर आप दोबारा भी काउंसलिंग कराएंगे तो पेमेंट तो देना ही होगा। अब देखिए नीचे और स्क्रॉल करते जाएंगे, काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं फ्रेंड्स जहाँ पर सीटें जो यहाँ हैं प्रेजेंट है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सहारा कॉलेज है नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस का, तो यहाँ पर आपकी 60 सीटें हैं, तो इस तरीके के कॉलेज आप फिल कीजिएगा, तो ये आपको चांसेस थोड़े से बढ़ा देगा कि आपको अलॉट हो जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी देखिए ऐसा ही हुआ था, पिछली बार सुनने को आया था कि मॉपअप में जो नॉट क्वालिफाइड है उनको चांस मिलेगा, बट जब मॉपअप राउंड के लिए काउंसलिंग गाइडलाइन आई थी तो उसमें साफ साफ बता दिया था कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही काउंसलिंग में जा सकते हैं और नॉट क्वालिफाइड को कोई भी चांस नहीं मिलने वाला। तो सबसे अच्छा है कि आप क्वालिफाइड हो जाया करें फ्रेंड्स, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए। अगर नॉट क्वालिफाइड है तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई कीजिए, ठीक है, और इतने मार्क्स लेकर के आएँ कि आप क्वालिफाइड हो जाएँ, यानी कि आपको काउंसलिंग का कम से कम मौका मिल जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर प्राइवेट भी चाहेंगे तो क्वालिफाइड तो होना ही होगा, नॉट क्वालिफाइड होंगे तो काउंसलिंग ही नहीं करा पाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सारा फ़ीस आपका लग जाता है। यूआर जनरल के लिए तो आपका यहाँ पर 3000 का पेमेंट था, और ओबीसी के लिए, ठीक है, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 2000 का पेमेंट था, तो पेमेंट भी आपका काफ़ी सारा लगता है। तो इसलिए अच्छे से स्टडी किया करें सभी लोग और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया करें। और अब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम आता है, जिसमें सुटेबल है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ ऐसे बेस्ट कॉलेजेस हैं तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए मैं अच्छे से एक वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करके अपलोड कर दूँगी। अगर आप वीडियो चाहते हैं जो बेस्ट कॉलेजेस हैं तो यस ज़रूर लिख दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।